एनबीटी लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनप्रीत। सनबर्न की समस्या अब लोगों में शुरू हो जाएगी। मेन हो वुमेन हो, सबको सनबर्न की समस्या होती है, क्योंकि अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है, कोरोना का भी इफेक्ट कम हो गया है, लोग बाहर निकल रहे हैं, ऑफिसेस खुल रहे हैं, तो यूवी रेज आपको परेशान करेंगी। इसीलिए मैं आपके लिए होम रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसे आप छुट्टी वाले दिन घर पर लगाएंगे और सनबर्न आपकी जो स्किन पर होगी वो खत्म हो जाएगी। तो क्या है ये रेमेडी, चलिए जानते हैं। तो सनबर्न के लिए जो हम पैक बनाने वाले हैं, उसके लिए हम ठंडा ठंडा कूल कूल वाला पाउडर लेंगे, और वो है ये मिंट पाउडर। आप वैसे मिंट को सुखा करके भी रख सकते हैं और पी सकते हैं। मैंने मार्केट से पाउडर अवेलेबल है वो ले लिया है। आप 2 टेबलस्पून मिंट पाउडर लीजिए। उसके बाद लेंगे हम एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल इसलिए क्योंकि ये आपकी स्किन को कूलिंग सेंसेशन देता है। तो इस तरीके से एलोवेरा जेल को हम मिक्स कर लेंगे। आप नेचुरल एलोवेरा का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इसे मिक्स करना है, और इसके बाद जहाँ भी आपको स्किन बर्न की शिकायत है, चाहे वो फेस हो, हैंड की स्किन हो, कहीं पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पैक तैयार हो जाएगा। अब इसे मैं अपने फेस पर लगाऊंगी, क्योंकि फेस पर मेरे स्किन बर्न की शिकायत है। तो अब हम इस पैक को स्किन पर अपने लगाएंगे, तो मैं अपने फेस पर अप्लाई करूंगी। आप जब ये पैक लगाएंगे तो आपको लगाते ही एकदम ठंडा ठंडा फील होगा। मैं फील कर सकती हूँ, क्योंकि एलोवेरा और मिंट वैसे ही आपको एक कूलिंग सेंसेशन देता है। तो आपकी जो इचिनेस होगी या सनबर्न से जो आपको बहुत इरिटेशन हो रही होगी, उससे एकदम आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। अच्छे से आपको ये पैक लगाना है अपने फेस पे, और ध्यान रखिएगा कि आपको इसे बहुत ज़्यादा स्क्रब करके निकालना नहीं है। आप हार्डली 10 मिनट के लिए इस पैक को छोड़िए और सीधा जाकर ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए, क्योंकि जब स्किन बर्न होती है आपकी तो वो ऑलरेडी सेंसिटिव हो जाती है, और अगर आप उसे स्क्रब करके या मसाज करके या बहुत सूख जाने के बाद निकालेंगे तो वो आपकी स्किन को और परेशान करेगी। इसलिए जैसे ही ये सूखने लगेगा, आप जाइए और ठंडे पानी से मुंह धो लीजिए, और इस पैक को हफ्ते में 2 बार अप्लाई कीजिए और रिजल्ट्स देखिए। तो ये ठंडी ठंडी कूल कूल मिंट रेमेडी आपको कैसी लगी, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ सजेशंस भी आप दे सकते हैं। एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो सके।